हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 6th में आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। इस चैप्टर में आप लोगों को पोषक तत्वों के बारे में जानना था। पोषक तत्वों की हमारे शरीर को क्यों जरूरत है वो आपको जानना था। अब हम पढ़ रहे हैं कि इन पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, मतलब कि कौन कौन सी डिफिशियंसी डिजीजेज या अभाव जनित रोग होते हैं। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अलग अलग प्रकार के विटामिन्स की कमी से जो रोग होते हैं उसके बारे में हमने जान लिया था। अब हम मिनरल्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनको जानेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, कुछ केमिकल एलिमेंट्स होते हैं हमारे भोजन में जिसकी कमी से हमें अलग अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो कल के सेशन में हमने बात करी थी कुछ केमिकल एलिमेंट्स में। सबसे पहले हमने बात करी थी कैल्शियम की। कैल्शियम जो होता है ये आपको पनीर में, इसके हम स्रोतों की बात करें यदि, तो ये आपको मिलता है पनीर में, ये आपको मिलता है दूध में, ये आपको मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, ये आपको मिलता है दालों में, और ये आपको मिलता है अंडों में और मीट में। इन चीजों में आपको कैल्शियम मिलता है। अब कैल्शियम की कमी से हमें, मतलब इसके काम क्या है हमारे शरीर में, कैल्शियम का हमारे शरीर में क्या काम है? तो कैल्शियम का हमारे शरीर में काम यह है कि ये आपकी हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और आपके मांसपेशियों की जो क्रियाविधि है, जो कार्य आपके मांसपेशियों का है, ब्लड मसल्स की एक्टिविटी का है, उसमें भी हेल्पफुल होता है। तो कैल्शियम की कमी से आपके शरीर में कौन सा रोग हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में रिकेट्स नाम का रोग हो सकता है, ब्रिटल बोन्स हो सकते हैं यानी कि खोखली हड्डियां हो सकती हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, अगर कहीं चोट लगे और कैल्शियम की कमी हो तो खून का रिसाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, बैड मसल मूवमेंट भी होगा, है ना? तो ये जो कैल्शियम है बच्चों, कैल्शियम को पाने के लिए कल के सेशन में हमने चर्चा की थी, सभी बच्चों से बात करी थी, शिक्षित से बात हो रही थी, मीनाक्षी से, काजल से बात हो रही थी। तो बच्चे ये बता रहे थे कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, कैल्शियम से आपके दांत मजबूत होते हैं। कैल्शियम को पाने के लिए उसका जो स्रोत है, पनीर है, दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दालें हैं, अंडे हैं, ये सब खाइए तो कैल्शियम की कमी को हम अपने शरीर में पूरा कर सकते हैं। लेकिन कल एक बात हुई थी कि मान लीजिए एक कंडीशन आती है, कोई बच्चा है जो सुबह भी दूध पीता है, शाम को भी दूध पीता है, एक एक गिलास, और उसके बावजूद भी अगर वो अपने शरीर में होने वाली कैल्शियम की कमी को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो मतलब क्या है, क्यों कैल्शियम उसके शरीर में नहीं मौजूद है अगर वो सुबह शाम कैल्शियम के स्रोतों वाले उत्पाद खाता है? तो कल हमने बात करी थी कि कैल्शियम, देखो जैसे जो वाइटमिन्स होते हैं बच्चों, उसमें से कुछ वाइटमिन्स ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। जब हम बात कर रहे थे विटामिन डी की, तो विटामिन डी जो है वो वसा में घुलनशील होता है, और कैल्शियम के साथ क्या है कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाता है शरीर में, यानी कि कैल्शियम आप कितना भी खाइए वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएगा यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है ना? तो इसलिए आपने देखा कि अगर कैल्शियम के आपके शरीर में भरपाई होनी है तो आपको विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट मिनरल है, नेक्स्ट आपका केमिकल एलिमेंट है बच्चों, जो है फास्फोरस। फास्फोरस के बारे में हम बात करेंगे। फास्फोरस जो है वो आपका पाया जाता है, फास्फोरस आपका पाया जाता है मछली में, अंडों में, मीट में, दूध में, चीज में और
आलू में भी कुछ मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। ये जो फास्फोरस है ये बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, हड्डियों और दांतों की बनने में ये सहायक होता है। न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में ये सहायक होता है, जो फास्फोरस होता है ये न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में सहायक होता है। ये आपका एनर्जी ट्रांसफर में सहायक होता है, यानी ये जब एनर्जी का प्रोडक्शन होने लगता है तो हर एक अंग तक पहुंचाने में फास्फोरस की सहायता होती है। और एटीपी जो ऊर्जा का रूप है हमारे शरीर में, उसमें भी ये सहायक होता है। डेफिशिएंसी डिजीज या इफेक्ट इसका क्या है उसके बारे में यदि हम बात करें तो ये बैड बोन्स एंड टीथ, बॉडी वीकनेस, इसकी कमी से ये परेशानियां हो सकती हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे पोटेशियम और सोडियम की बात करेंगे। नेक्स्ट केमिकल एलिमेंट है बच्चों पोटेशियम। जो होता है पोटेशियम, आपको पोटेशियम के सोर्सेज हैं बीफ, एग्स, मिल्क, चीज और पोटैटोज, पनीर और आलू, अंडे, दूध। ये आपका जो ऑस्मो कंट्रोल ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, यानी कि ये आपके तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने के लिए योगदान देता है। अगर पोटेशियम की कमी हो तो आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। और इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं, मकल मसल वीकनेस हो सकती है, और पैरालिसिस का, यानी कि कभी कभी पैरालिसिस का भी अटैक आ सकता है ना, मसल वीकनेस हो सकती है और पैरालिसिस का भी अटैक आ सकता है। तो पोटेशियम की कमी से मसल वीकनेस और पैरालिसिस अटैक, ये दो चीजें होने की संभावना होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका केमिकल एलिमेंट है बच्चों सोडियम। सोडियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, तो पोटेशियम का आप सभी नोट करेंगे, तब हम सोडियम के बारे में भी बात करेंगे। सोडियम आपका पाया जाता है नमक में, सॉल्ट में, चीज में, यानी कि पनीर में। तो हम देख रहे हैं कि पनीर और दूध ये दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें पाए जाते हैं, तो इसको हमको डेली के अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। ब्रेड में भी सोडियम पाया जाता है और मक्खन में भी, बटर में भी सोडियम पाया जाता है। ऑस्मो कंट्रोल ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, गैस्ट्रिक जूस में, और HCl एसिड, इसमें आपका सोडियम जो है वो यूज होता है। आपके हार्ट के सही तरीके से काम करने के लिए भी सोडियम जो है वो जरूरी होता है। और इसकी कमी से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, एक्सट्रीम वीकनेस होती है, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है ना। तो ये पोटेशियम और सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम, इन चारों जो केमिकल कंटेंट हैं उनकी कमी से आपको क्या-क्या परेशानी हो सकती है, और उसको पूरा करने के क्या-क्या स्रोत हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों मैग्नीशियम। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। मैग्नीशियम जो आपको मिल सकता है चीज में और ग्रीन वेजिटेबल्स में, इसका स्रोत क्या है मैग्नीशियम का, चीज और ग्रीन वेजिटेबल्स। ये कहाँ पे सहायक है, यानी कि इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या कार्य है, ये आपका एनर्जी ट्रांसफर में और बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में सहायक है। कहाँ पे सहायक है, ये आपका एनर्जी ट्रांसफर में, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में ये सहायक है। एक्टिविटी ऑफ मसल्स एंड नर्व्स और वीकनेस, इसमें ये उत्तरदायी है, इसमें ये जिम्मेदार है। इसको आप सभी नोट करेंगे, आपके मांसपेशियों के एक्टिविटी में और नर्व्स की एक्टिविटी में, ये अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो आपके मांसपेशियों की एक्टिविटी बहुत सही नहीं रहेगी,
और तंत्रिका तंत्र भी कमजोर हो जाएगा और वीकनेस यानी कि कमजोरी भी आ जाएगी। और उसके अलावा आयरन, आयरन की यदि हम बात करें तो आयरन के क्या क्या स्रोत हैं? मैग्नीशियम, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आयरन की बात करेंगे। आयरन जो कि एक प्रकार का रासायनिक तत्व है जो मिनरल्स की कैटेगरी में आता है, उसका स्रोत क्या क्या है, वो आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? आयरन मिल सकता है आपको मीट में, आयरन मिल सकता है आपको लिवर में, आयरन मिल सकता है आपको एग्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, और इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है? आयरन जो है वो ब्लड हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में सहायक होता है, यानी कि अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को बनना है तो उसके लिए आयरन की जरूरत होती है। मसल मायोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी ये सहायक है, और आपके शरीर में एंजाइम्स की पूरी एक्टिविटी के लिए आयरन का होना जरूरी है। आयरन की कमी से क्या रोग हो सकता है? आयरन की डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया नाम का रोग हो सकता है। एनीमिया का मतलब आपको रक्त अल्पता नाम का रोग हो सकता है, जहां आपके शरीर में खून की मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाती है, उनमें रक्त की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो ये आपका आयरन की डिफिशियंसी से होने वाला रोग है। उसके अलावा कुछ और हैं आपके आयोडीन, आयोडीन जो है वो आपको कहाँ से मिल सकता है और इससे आपका कौन सा फंक्शन है और इससे क्या रोग होता है, इसको आपको नोट करना है अपनी कॉपी में, साथ साथ नोट करेंगे बच्चों। आयोडीन आपको मिल सकता है समुद्री मछली में, सी फिश में या सी फूड में आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, और समुद्री जल में भी आयोडीन की मात्रा अच्छी होती है। आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी आयोडीन युक्त नमक से भी हम अपने आयोडीन की कमी को पूरा कर सकते हैं, और ये आयोडीन जो है ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में सहायक होता है। इसकी कमी से आपको गोइटर नाम का रोग हो सकता है, यानी कि जो गले के पास थायराइड नाम की ग्रंथि होती है वो इनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है, और एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय, आपकी पाचन क्रिया ठीक रूप से नहीं होती, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय की प्रक्रिया खराब हो जाती है। हम बात करें यदि फ्लोरीन की, फ्लोरीन जो कि आपका समुद्री मछली है, ये आपको टी में और कुछ पीने के पानी में फ्लोरीन की मात्रा पाई जाती है, और ये आपका फ्लोरीन जो है वो बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में सहायक है, और इसकी कमी से आपको डेंटल कैविटीज हो सकती हैं, इसकी कमी से आपको डेंटल कैविटीज हो सकती हैं। तो ये तो आपकी हो गई बच्चों कि कुछ मुख्य पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कुछ मिनरल्स की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और अब हम अगर विटामिन के बारे में जाने, उसके बारे में समझने की कोशिश करें, तो विटामिन की डिफिशियंसी आखिर क्या है? विटामिन डिफिशियंसी के बारे में हम बात करें, विटामिन की अभाव के बारे में, विटामिन आर नीडेड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, येट देयर डिफिशियंसी लीड्स टू वेरियस डिफिशियंसी डिजीजेस। जो विटामिन है इसकी हमारे शरीर में बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो उससे अलग अलग बहुत से डिफिशियंसी डिजीजेस हो सकते हैं। विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के विटामिन्स होते हैं। पहले विटामिन को हम कहते हैं विटामिन ए डी एंड के, ए डी एंड के, जो विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के विटामिन्स होते हैं। पहले तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो फैट में घुलनशील होते हैं। फैट में घुलनशील विटामिन्स हैं विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, और पानी में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो अगर इनको हम एक्सेस में लेते हैं, अगर ये ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में चले जाएं, द वॉटर सॉल्यूबल वाइटमिन्स आर एक्सक्रीटेड विद द यूरिन, बट इफ फैट सॉल्यूबल वाइटमिन्स आर टेकन इन एक्सेस, दे आर नॉट एक्सक्रीटेड इजिली एंड आर द हार्म द बॉडी एंड कॉज रेस्टलेसनेस एंड नौशिया।
यानी कि अगर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के हमें ज्यादा मात्रा में ले लें हम, तो उससे हमारे शरीर से वो बाहर आसानी से नहीं निकल पाते हैं। द सोर्सेज यूजेज एंड एसोसिएटेड डिफिशियंसी डिजीजेस फॉर वेरियस वाइटामिन आर गिवन द फॉलोइंग टेबल। तो उसके सोर्सेज यूजेज, और हम बात करेंगे मिनरल डिफिशियंसी के बारे में कि लवणों की अगर डिफिशियंसी हो तो सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर वेजिटेबल्स। मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए वेजिटेबल्स होते हैं, मसाले होते हैं और कुछ फल होते हैं। ये भी आपको थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज, दे आर इंडिस्पेंसेबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, और हमारे शरीर को अलग अलग रोगों से रक्षा करने के लिए ये जरूरी होते हैं। द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस वाइटामिन्स इज गिवेन इन द फॉलोइंग टेबल, और इसके बारे में, अलग अलग वाइटामिन्स के बारे में अगर डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, कैलोरी की डिफिशियंसी, ये आप इसको नोट करेंगे बच्चों। देर आर सर्टेन डिजीजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स और प्रोटीन्स एंड एनर्जी। अगर आपके शरीर में एनर्जी की डिफिशियंसी हो तो कौन कौन सी रोग या बीमारियां हो सकती हैं। देर आर सर्टेन डिजीजेज विच आर कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स और प्रोटीन्स एंड एनर्जी, तो उसको हम कहते हैं, दीज आर टर्म्ड एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स लीड्स टू क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर नाम का रोग होता है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो क्वाशियोरकर नाम का रोग होता है। वेयर एज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कैलोरीज एनर्जी लीड्स टू मेरेस्मस। और अगर आपको शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो तो उससे मेरेस्मस नाम का रोग होता है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो, मतलब अगर आपके शरीर में दालों की कमी हो, या आप अंडा ना खाते हो, दालें ना खाते हो, आप प्रोटीन रिच डाइट ना लेते हो, तो आपको क्वाशियोरकर नाम का रोग हो सकता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी से बच्चे उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है। हम कहते हैं मंद वृद्धि वाले होते हैं, मंद बुद्धि वाले भी होते हैं और मंद वृद्धि वाले भी होते हैं। द डाइट दैट इज पुअर इन प्रोटीन लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड क्वाशियोरकर, उसको हम क्वाशियोरकर नाम का रोग कहते हैं, इन विच द ग्रोथ ऑफ द इन्फेंट इज रिटार्डेड, जिसमें जो नवजात शिशु होता है उसकी ग्रोथ जो है वो सही तरीके से नहीं होती है, और ये बहुत छोटे बच्चों में होता है। दिस डिजीज अफेक्ट्स द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 1 to 5 years, 1 से 5 साल के बच्चों में ये परेशानी देखी जाती है। द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर, इस डिजीज के क्या सिम्टम्स हैं, इस डिजीज में आपका पैर जो है वो बिल्कुल छड़ी के जैसे होते हैं, स्टिक लाइक थिन लेग्स होते हैं, यानी पतले पतले पैर होते हैं, उनकी जो पेट होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, प्रोट्रूडिंग बैली होता है, वाटर रिटेंशन, उसमें पानी की भी कमी होती है, बल्जिंग आइज, आंखें सूजी हुई होती हैं, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, यानी बालों का रंग भी डिसकलर होने लग जाता है, और मानसिक रूप से वो मंद बुद्धि होते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड मेरेस्मस। अगर हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी की बात करें तो उससे एक कंडीशन हो सकती है जिसे हम कहते हैं मेरेस्मस नाम का रोग। इट अकर्स व्हेन द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 1 ईयर डज नॉट गेट सफिशियंट फूड। ये तब होता है जब साल भर से छोटे बच्चे के अंदर ये परेशानी हो और वो प्रॉपर सफिशियंट फूड, यानी जितनी उसको आवश्यकता है उतना भोजन ना पाए, तब उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। द सिम्टम्स ऑफ मेरेस्मस आर एज फॉलोज। मेरेस्मस में क्या होता है, लीन एंड वीक बॉडी, बहुत पतला शरीर और कमजोर शरीर होता है, प्रोमिनेंट रिब्स होते हैं, ड्राई थिन रिंकल्ड स्किन विद फोल्ड्स ऑफ लूज स्किन, सूखा पतला और
बिल्कुल सिकुड़ा हुआ स्किन होता है जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं और मंद बुद्धि भी ऐसे बच्चे होते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि जो हम भोजन पकाते हैं, इम्प्रॉपर कुकिंग मेथड्स जो हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो आपके भोजन में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कम कर सकते हैं। डू यू नो दैट इम्प्रॉपर कुकिंग मेथड्स सच एज कुकिंग इन आयरन वेसल्स, ओवर कुकिंग, बॉइलिंग कैन लीड टू द लॉस ऑफ टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वेजिटेबल्स। ये कैसे होता है? दिस हैपन बिकॉज ड्यूरिंग कुकिंग सम वोलेटाइल एसिड्स एंड गैसेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द वेजिटेबल्स। जब हम कुक कर रहे होते हैं भोजन को तो उस समय पे कुछ सब्जियों में से भी कुछ एसिड्स और गैसेस रिलीज होती हैं और ये क्या कर देती हैं, ये उस सब्जी के जो टेस्ट है, स्वाद है और दिखने में कैसी है उसको ये स्पॉयल कर देते हैं। हेंस कुकिंग शुड बी फास्ट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ टेस्ट एंड लुक ऑफ दैट। इसीलिए जो कुकिंग है, जब हम भोजन बनाते हैं तो वो थोड़ा सा जल्दी बनाना चाहिए ताकि हम उसका टेस्ट भी ना खराब करें और उसका लुक भी ना खराब हो। बार बार अगर हम चावल को धोते हैं, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, पल्सेड एंड सम फ्रूट्स शुड बी अवॉइडेड एज दे देयर विटामिंस एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम मे आल्सो गेट वॉश्ड अवे। अगर हम चावल, दाल और सब्जियों को, फलों को बार 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 धोते हैं तो धोने से उसके अंदर मौजूद कटे हुए फलों को या सब्जी को या दाल और चावल को अगर हम बार बार धोते हैं तो उसके अंदर मौजूद जो विटामिंस हैं, मिनरल्स हैं, वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। बहुत सारे जो फल होते हैं, बहुत सारी सब्जियां जो होती हैं, उनके जो छिलके होते हैं उनमें बहुत सारा विटामिन्स और मिनरल्स पाया जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर सब्जी के छिलके को उतार करके ही बनाया जाए। कुछ सब्जियां हैं जिनके छिलके को उतार के बनाया जा सकता है और बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनके छिलकों को बिना उतारे हम उसको अगर बहुत अच्छी तरह से गर्म पानी से धो लें, साफ कर लें, क्लीन कर लें तो उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सब्जी का छिलका उतार भी दिया गया तो सब्जी का छिलका उतारने के बाद उसको धुलना नहीं चाहिए, उसके पहले ही उसको छिलके सहित ही उसको अच्छे से धुल लेना चाहिए ताकि उसके बाद उसको ठीक किया जा सके, उसमें जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, उनको बचाया जा सके। वाटर, पानी, इन विच ग्रेन्स आर सोक्ड, जिसमें हम अनाजों को भिगाते हैं, शुड नॉट बी थ्रोन अवे एज इट कंटेन्स मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। जैसे अगर हम कोई अनाज है उसको भिगाते हैं रात भर के लिए, तो जब रात भर के लिए हम उनको भिगाते हैं बच्चों, तो उसको क्या करना चाहिए, उस पानी को पहले हल्का सा वॉश करके तब भिगाना चाहिए और जो पानी उसमें है उसको फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता चल रहा है कि जब हम दालों को धोते हैं तो धोने में मिनरल्स और विटामिन्स वॉश अवे होते हैं, तो जो पानी में भिगाया गया उस पानी को हम यूज कर सकते हैं तो उसको हमको फेंकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फूड कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द कीपिंग द अबव मेंशन्ड पॉइंट्स इन माइंड। यानी जब हम भोजन पका रहे होते हैं तो भोजन पकाते समय अगर इन चीजों को ध्यान में रखा जाए तो हम अपने भोजन से मिनरल्स और विटामिन्स को काफी मात्रा में वेस्ट होने से रोक सकते हैं। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब की डिफिशियंसी के बारे में जाना और उससे होने वाले रोगों के बारे में जाना। ये चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, खत्म हो गया है। कुछ अगले सेशंस में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।